नहीं। बाद में शोएब अख्तर बहुत अच्छा दोस्त बन गया क्योंकि उसे इंडिया में बिजनेस चाहिए तो हमारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तभी उसे यहाँ बिजनेस मिल सकता। कि आप जितने भी शोएब अख्तर के इंटरव्यू देखेंगे सब में ये देखें कि वो इंडिया के तारीफ होकर ऐसे पुलिंदे बांधता है तो ये पैसा सब कुछ करा सकता है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। पाकिस्तानी लोग यही चीजें ढूंढ रहे हैं, एक्स क्रिकेटर, चाहे वो यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूसुफ, सकलेन मुश्ताक, सब इंडिया आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है इंडिया में बड़ी मार्केट है और अगर यहाँ 1 लाख मिलेंगे तो पाकिस्तानी 2 लाख होंगे। अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई मेरे दोस्त की है, सहवाग, आपको पता है एक बड़ा कैजुअल आदमी है और नॉन सीरियस बातें करता है, वो आपको पता ही है सबको। रुको जरा, सबर करो। उसने कहा था कि शोएब अख्तर को पैसे चाहिए तो इसलिए वो इंडिया की तारीफ करता है। देखिए, रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है, इंडिया नहीं अल्लाह पालता है। दूसरा सहवाग के लिए उसके सवाल का जवाब ये है कि जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। ये एक फनी वे में कह रहे हो वरिंदर सहवाग, जरा इसको बर्दाश्त करना। तो अल्लाह बाल वालों के ही जा नमाजता है। बहरहाल, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एनीवेज, सो बहरहाल वीरू, ये मजाक है, मजाक में रखना इस चीज को। तो प्लीज इसको हजम करने की कोशिश कीजिए। अगर अल्लाह ने ये दिखा दिया है कि अल्लाह ने मेरा नाम बाकियों से बहुत बड़ा किया हुआ है, जो सो कॉल्ड स्टार बने हुए थे उनकी फेम का पता चल गया, मेरे फेम का भी पता चल गया, गजब बेइज्जती है। तो मैं उस लेवल पे जाके आपसे बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करें कि अगर आपका बंदा नहीं कर पा रहा फास्ट मिलिंग तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, अल्लाह की देन होती है और ये है फेम और इज्जत जो है वो ऊपर से आती है, तुम्हारे से नहीं आती। पहली फुर्सत में निकल।